BCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। हाथरस के उप कृषि निदेशक कार्यालय हाथरस पर जिले भर से आए किसान प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के रुपए न पहुंचने को लेकर दर दर भटक रहे हैं। वहीं साइड न खुलने पर बहाना देकर अधिकारी भी टरका रहे हैं। किसानों का कहना है कि लेखपालों ने कहा है कि सारे खेती से संबंधित कागज आपके जिला कृषि कार्यालय भेज दिए गए हैं, इस वजह से हम कार्यालय के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। आप भी किसान निधि योजना के तहत यहाँ जानकारी करने आए? बता दे, पैसा नहीं पहुँचा आपका? हाँ, नहीं आया, इस वजह से यहाँ आए हुए हो? हाँ, बिल्कुल। कहाँ से आए? रामपुर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश सिंह है। कहाँ से आए? जी, रामपुर हाथरस जंक्शन। किस वजह से आए हुए? साहब, पेंशन के बारे में आए थे किसान योजना, इसमें जाओगे 3-4 राउंड पहले ही मार चुके थे और बता दें कि वेबसाइट ही बंद है, और आज भी आए तो आज भी वेबसाइट ही बंद बता रहे हैं। परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है। तो इस बात की शिकायत कर रहे हैं आप कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे साहब, यहीं आते तो यहाँ बताते ही नहीं है साहब। कोई अधिकारी मिला? बड़ा अधिकारी हाँ मिले भी थे, लेकिन कोई दस्तारी बता देते। ओके, नाम आपका? ब्रजमोहन। कहाँ से आए आप? सादाबाद साहब से। किसान है आप? किसान है। किस वजह से आए यहाँ उप कृषि निदेशक? प्रधानमंत्री की किसान निधि योजना के अंतर्गत जो पैसा गवर्नमेंट किसानों के जो दे रही है 6,000 रुपये जी, वो आज दिनांक तक हमारे खाते में पैसा नहीं आया, जबकि हमने पहले ही लेखपालों को कागज जो है सम्मित जमा कर दिए गए थे, लेकिन आचार संहिता खुलने के आचार संहिता की वजह से हम लोग नहीं आए। जब आचार संहिता वोट पड़ने के बाद में आज जो हमें यहाँ पता करने के लिए आए कि हमारा कारण क्या है कि हमारा पैसा खाते में नहीं आया, जो कि आज भी जो है ये लोग ये कह रहे हैं यहाँ के अधिकारी कि अभी जो है वेबसाइट खुली नहीं है और 10 तारीख के बाद में आना। करीब कितने किसान आए हुए हैं? करीब है 10-15 किसान, बाकी कुछ लोग चले गए यहाँ से। पूछ करके कहाँ से हैं आप? सादाबाद क्षेत्र से आए, गांव सैनपुर, तहसील हाथरस।